सो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक। आज मेरे पास है दो क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे लास्ट टाइम में जो मेशन गेन फॉर्मूला देखा था उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ब्लॉक डायग्राम वाले फॉर्म में है, तो इसको नीड नहीं आप SFG में कन्वर्ट करें और उसके बाद मेशन गेन फॉर्मूला लगाएं। आप चीज़ों को खुद से रिलेट करेंगे, ठीक है। मेशन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पाथ की ज़रूरत है, ओके। देखते से ही आपको पता लग जाएगा कि पाथ कितना है। आपको लूप्स की ज़रूरत है, आपको लूप्स भी पता चल जाएंगे। जब लूप्स पता चल गए, पाथ पता चल गया, तो मेशन गेन फॉर्मूला तो याद है ना अपने को, लगा देंगे और विल गेट द आंसर। सो पूछा है व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, मतलब C/R पूछा है क्वेश्चन में आपके लिए। सो C/R आपका फॉर्मूला, सबसे पहले आपको पाथ फाइंड करना है। हाउ मेनी पाथ्स आर हियर, सी, एक पाथ है R से C तक जाने के लिए, दिस इज द पाथ। इसके अलावा कोई पाथ दिख रहा हो तो बताओ मुझे, ओनली वन पाथ है। और जो पाथ का गेन है वो है दिस इंटू दिस, 10 × 10 100 / SS+1। चलिए, मैं डायरेक्ट एक ही पाथ है तो जो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होगा वो होगा P1 del1 / del, सीधा सिंपल सच्चा, ठीक है। सो P1 यदि गेन की बात करूँ, सो P1 गेन कितना आ रहा है, 100 / SS+1, ओके। चलिए अब लूप की बात कर लेते हैं। लूप, एक लूप ये रहा सर, दिस इज द लूप, यहाँ से चले और यहाँ आ गए, सो दिस इज L1 ले लो। और दूसरा लूप है, यहाँ से चले, इधर गए और वापस आ गए, दिस इज L2। अरे ये एक लूप है, देखिए मैं एरो के डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आई गेट द लूप। सो लूप मिल गया। सबसे पहले L1 का गेन लिख लो। L1 का गेन क्या है, 10 / S+1 मल्टीप्लाई विद S+3, मल्टीप्लाई कर रहा जा, S+1 मल्टीप्लाई विद S+3, ये हो गया L1। दूसरा है L2, चलिए L2, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। सो नाउ एक चीज़ ध्यान रखें, 10 S+1, S+3 ये नेगेटिव फीडबैक है, सो ये दिस इज नथिंग बट नेगेटिव विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। L2 की यदि बात करूँ, सो दिस एंटायर थिंग, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी होगा 100 / SS+1, 100 / SS+1। सो L1 और L2 को आपने लूप गेन लिख दिया है, ठीक है, ओके। नॉन टचिंग, दो नॉन टचिंग लूप्स हैं क्या, नहीं है, चलिए L1 L2 क्लियर है। नाउ del1 भी चाहिए रहेगा। सो del1 निकालने के लिए सबसे पहले आपको पाथ फोकस करना पड़ेगा P1। सो P1 पाथ आपने सबसे पहले कर लिया, दिस इज द P1। अब इस पाथ को कनेक्ट नहीं करते हुए कौन सा लूप दिख रहा है पूरे सिस्टम में जो इस पाथ से टच नहीं है, नहीं, L1 भी कनेक्ट है, L2 भी इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब del1 की वैल्यू 1 रखना है आपको। सो del1 की वैल्यू आपकी 1। अब सब कुछ आ गया तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला ही तो लगाना है, P1 del1 / del। चलिए P1 की वैल्यू बोलेंगे आप 100 / S S+1 / आप del निकालिए, del क्या होता है, 1 - sum of individual loop gains, ये भी माइनस है बिकॉज नेगेटिव फीडबैक है, सो 1 माइनस, सो ही इट विल बी -10 S+3 S+1 एंड द नेक्स्ट वन इज 100 S S+1। सो दो लूप्स है, इंडिविजुअल लूप है। अब टेल मी, आपको इसमें नॉन टचिंग लूप गेंस दिख रहे हैं क्या, 2 नॉन टचिंग लूप गेंस नहीं दिख रहे सर, L1 और L2 दो ही तो लूप है, दोनों एक दूसरे से टच है, ठीक है। चलिए, सो आगे के टर्म्स का कोई मतलब नहीं बचा, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना है, सो दिस इज नथिंग बट 100 / SS+1। आप यहाँ से LCM लेंगे, SS+1 ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा SS+1 माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपके बचेगा 10 SS+3 एंड ये हो जाएगा आपका -+100, दैट्स इट, +100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको आप रिजोल्व कर लीजिए, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को काट देंगे, आपके पास बचेगा 100 S² + S + 10 S² + 30 S + 100। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर, दिस इज 100 और दिस इज 11 S² + 30 S और S 31 S + 100, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, ट्रांसफर फंक्शन इज ओवर। सो आपको जो ब्लॉक डायग्राम दिया है उसको SFG में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं कि पाथ कितना है, लूप कितना है, लूप गेन कितना है, एवरीथिंग यू कैन गेट ना। अब अपन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है इसकी जानकारी आपको मिल गई, अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
सो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें भी वो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इनपुट आउटपुट सब कुछ दिया हुआ है, अब सिस्टम को कैसे करना है ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए सिस्टम को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा है इनपुट आर एस एंड आउटपुट दिख रहा है आपको सी ओ पी एस, जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट। उसने क्या पूछा, उसने पूछा आपसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो। ट्रांसफर फंक्शन तो तेरे को पता है ना बच्चा, देयर इज नथिंग बट द आउटपुट इन एल डोमेन डिवाइड बाई इनपुट इन एल डोमेन सी एस बाई आर एस, उसने लिख के भी दे दिया। चलो पाथ फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ पाथ फाइंड फाइंड करो। सो पाथ फाइंड करना है सो आपको इनपुट से आउटपुट तक जाना है, बिकॉज इन दोनों के बीच में आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। चलिए एक पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सो पाथ आया आपका यहाँ से यहाँ तक, बस एक ही पाथ है। सो उसकी वैल्यू कितना है, पाथ गेन कितना है, 1 × 1 इट विल बी 1। टेल मी एनी पी टू इज देयर हियर, आपको पी टू कहीं पे भी दिख रहा है, कौन बोला दिख रहा है, बता मेरे को कहाँ है। सर इधर हम गए, इधर गए, वापस इधर आए, इधर आए और इधर चले गए। अरे तो इधर आ गया तो इसको दो बार कंसीडर कर रहा है, इसको दो बार कंसीडर, एक बार गया दूसरी बार आया, इसको चल एक ही बार कर रहा है, तो इसको ये दो बार कंसीडर नहीं होना चाहिए ना। पाथ की डेफिनेशन में पढ़ाना कोई भी नोड दोबारा कंसीडर नहीं होना करके, तो सिर्फ वन एंड ओनली वन पाथ है आपके पास, पी टू नाम की चीज़ आपके पास नहीं है। सो पी वन है तो पक्का इसका डेल वन भी निकलेगा, निकालेंगे बाद में। चलो लूप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंडिविजुअल लूप गेंस, कितने लूप है बच्चे आपके देखते हैं, क्या ये लूप है 1 to 1, यस दिस इज नथिंग बट लूप, सो लेट्स टेक इट एल वन। क्या ये वाला लूप है, यस ये भी लूप है, तो इसको मैंने बोल दिया L2। चलिए क्या ये बड़ा वाला लूप है, क्या 2 से चले 2 3 4 2, यस ये है L3, 2 से चले और 2 पे आ गए, ठीक है 2 3 4, अरे ये रे 2 3 दिस और दिस, डिड यू गेट माई पॉइंट। चलिए पॉइंट क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ 3 लूप है पक्का, ध्यान से देखो। मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक स्ट्रक्चर दे देता है और आपसे पूछता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ लूप्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाथ्स, एंड स्टिल आने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं कि यार इसमें लूप कितने पता ही नहीं लगता उनको। तो ध्यान से बी केयरफुल ओवर हियर, L1 इंडिविजुअल लूप गेन आप लिखेंगे, दिस इंटू दिस, सो दिस इज -2/L, देखो माइनस साइन है मतलब पक्का यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक था, जब ब्लॉक डायग्राम में देखा था हमने तो माइनस साइन था, नेगेटिव फीडबैक था तो माइनस ले लिया था, ठीक है। सो L1 इज नथिंग बट -2/S, नाउ L2 लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, L2 आप लिखोगे -3/S, L3 लिखो, L3 बोलो बच्चों, चलो L3 देखो यहाँ पे 6 × 1/S -4, सो दिस इज नथिंग बट -24/S, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए लूप गेंस हो गए, पाथ हो गया, लूप गेंस हो गया, दूसरा टू नॉन टचिंग लूप्स देखना है, टू नॉन टचिंग लूप्स देखना है, यदि मिल जाए तो दोनों का प्रोडक्ट कर देना, दोनों के गेंस का प्रोडक्ट कर देना। चलिए देखते हैं, सर L1 L2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या, बता मेरे को, L1 और L2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया आपका श्रीलंका, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, देख ले मैप में। चलिए सो लूप गेंस तेरे पास आ गया L1 एंड L2, ये हो गया टू नॉन टचिंग लूप्स है, ये टू नॉन टचिंग लूप्स, दोनों के गेंस का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 6/A² इसके अलावा कोई सा है, सर L1 और L3 है, अरे भाई दोनों एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं, ये पाकिस्तान भारत, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है L1 और L3 नहीं है, चलिए L3 एंड L2 नॉन टचिंग नहीं है रे, ये L3 है पूरा और ये L2 है, 3 पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, 4 पे टच कर रहे हैं, टच करते ही जा रहे हैं ना वो तो। सो L1 और L2 ही सिर्फ 2 नॉन टचिंग लूप है, 3 नॉन टचिंग लूप्स है क्या, चलिए देखते हैं। L1 L3 L2 ऐसे हैं कि जो तूने एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, नहीं सर पॉसिबल नहीं है सर, चलिए बढ़िया है। तो P1 इज ओवर, L1 इज ओवर, L2 एंड दिस, नाउ डेल1 और निकाल लेते हैं, डेल1 इज 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेंस, जो कि इस पाथ से टच नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है, P1 के, वेयर इज द P1, हियर इज द पाथ। अब इस
पाथ से अनकनेक्टेड कोई लूप है क्या? एल वन टच कर रहा है, एल थ्री टच नहीं कर रहा, एल टू टच नहीं कर रहा है, शाबाश। ये जो पाथ है पी वन, इसको टच नहीं करते हुए आपके पास दो लूप्स हैं, आपके पास दो लूप्स है, यानी कि अब डेल वन की वैल्यू कुछ आएगी। सो वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेंस, कौन कौन, एल टू एल थ्री, सो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई एस माइनस ट्वेंटी फोर बाई एस माइनस। इज इट क्लियर टू यू? कितना आसान है। देखिए डेल वन निकालने के लिए आपको पी वन को रेफरेंस लेना पड़ता है, पी वन को रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लेने के बाद ऐसे लूप देखना है जो इससे टच नहीं कर रहा, एल थ्री भी नहीं कर रहा, एल टू भी नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये आपका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा वन प्लस सत्ताईस बाय एस, ट्वेंटी सेवन बाय एस। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ एवरीथिंग इज ओवर, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ ट्रांसफर फंक्शन इज पी वन डेल वन डिवाइड बाई डेल, ठीक है। सो बच्चा तेरे पास सिर्फ एक पाथ था, इसलिए ये फॉर्मूला, दो पाथ होते हैं तो प्लस पी टू डेल टू बाई डेल भी लिखा होता यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सो पी वन की वैल्यू आप क्या लेके आए? सर वन लेके आया गया, ठीक है, वन लेके आ गया, गुड। व्हाट अबाउट द डेल वन? सर डेल वन की वैल्यू मैं लेके आया वन प्लस ट्वेंटी सेवन बाई एस, वन प्लस ट्वेंटी सेवन बाई एस, एम आई राइट? Am I right? L3, 24, 24, yes, I am right. So this is nothing but 1 plus 27 by S, 1 plus 27 by S, upper portion over. Now next, del ki value likhna hai pehre. So del ki value is nothing but 1 minus sum of individual loop gains. So this is nothing but minus 2 by S, minus 3 by S, minus 24 by S, plus sum of two non-touching product of two non-touching loop gains. So this is nothing but 6 by s square. So finally, इसको यदि थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, so we'll get s plus 27 divide by s, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1 plus, ये हो जाएगा 27 and 29, so plus 29 by s plus 6 by s square, ठीक है। इसको अगेन हम लिखेंगे s plus 27 divide by s, यहाँ से s square LCM ले लो, so यहाँ बचेगा s square plus 29s plus 6, ये got cancel, आपके पास बचा s plus 27 divide by s square plus 29s plus 6, this is your answer। ये भी दो marks का question था gate examination में। so चीज़ें clear हुई आपको, चीज़ें clear हुई, चलिए और questions देखते हैं। चलिए अब आपके सामने है ये क्वेश्चन। सो इसमें क्या स्पेशल था? इसमें सिर्फ स्पेशल ये जो टर्म्स लिख दिए हैं इसने, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। सो इंटीग्रेटर की लाप्लास में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है वही शो करना है, बाकी पूरा आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। बच्चा आपने देखा था जैसे कि डिफरेंशिएशन हो इन टाइम डोमेन और उसका कन्वर्जन आपको चाहिए, आपको फ्रिक्वेंसी बोले तो एस डोमेन में, सो दिस इज बिकम एस एफ ऑफ एस, यानी कि एस का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा था कि 0 टू टी सपोज एफ टी डी टी इंटीग्रेशन हो, सो उसका एस डोमेन में क्या हो जाता है, एफ एस बाई एस, यानी कि डिवाइड बाई एस हो जाता है। सो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है इसका इक्विवेलेंट है यहाँ पे 1 बाई एस है, ये जो डिफरेंशिएशन है इसका यहाँ इक्विवेलेंट एस है। सो आपके पास में लिखा है इंटीग्रेटर, सो इंटीग्रेटर इज नथिंग बट इंटीग्रेटर का आप में आपको एस डोमेन में इक्विवेलेंट कितना है, 1 बाई एस, ठीक है। सो जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन है, जहाँ जहाँ इंटीग्रेटर है वहाँ आपको लिखना है उस ब्लॉक की वैल्यू 1 बाई एस डी हुई है। सो यहाँ पे दिस इज 1 बाई एस। बस अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन अब आप बना देने वाले हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मेशन गेन फॉर्मूला आपको नीड रहेगी पाथ की, लूप्स की। देखते हैं पाथ कौन कौन से है भैया, इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए सिर्फ एक पाथ मुझे मिला है, सो एक ही पाथ है, ठीक है। सो आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है, ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है पी वन डेल वन बाई डेल, ठीक है। नाउ पाथ आपने फाइंड कर लिया, चलो पाथ वैल्यू भी लिखते जाते हैं अपन वन बाई वन। पी वन जो गेन है पाथ का वो है वन बाई एस इंटू टू इंटू दिस, सो दिस इज नथिंग बट टू बाई एस स्क्वायर। ये हो गया पाथ गेन, एक ही पाथ है उसका गेन, ठीक है। नेक्स्ट लूप बताइए आप, एक तो ये लूप हो गया, दिस इज वन लूप, लेट्स टेक इट एल वन, ये लूप हो गया दूसरा, लेट्स टेक इट एल टू, और एक और कौन सा लूप हो गया, इधर गए
इधर गए और वापस इधर आ गए, दिस इज नथिंग बट एल थ्री, थ्री लूप्स हो गए, ठीक है। तो चलिए इंडिविजुअल इनका लूप गेन लिखते हैं। एल वन, एल वन का लूप गेन बताओ वन बाई एस थ्री, और ये माइनस भी है, सो दिस इज माइनस थ्री बाई एस, ठीक है। एल टू देखो, एल टू ये रहा एल टू, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बाई एस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एल थ्री, एल थ्री किधर है, देखिए सबसे ऊपर वाला जो है एल थ्री, दिस थिंग, दिस है, ये माइनस साइन है, यस है, वन बाई एस इंटू टू इंटू दिस इंटू दिस, सो दिस विल बिकम एटीन बाई एस स्क्वायर इन माइनस, एम आई राइट, एटीन बाई एस स्क्वायर इन माइनस। सो थ्री लूप्स थे, काम खत्म। नाउ नाउ अब आपको देखना है कि नॉन टचिंग लूप्स है क्या। सर एल वन एंड एल टू ये नॉन टचिंग लूप्स है, L1 वन एल एन टू नॉन टचिंग लूप से, बाकी तो L1 हो L3 से टच कर रहा है, L3 L2 दोनों एक दूसरे को टच करें, सिर्फ L1 और L2 नॉन टचिंग लूप से, टू नॉन टचिंग लूप से, सो प्रोडक्ट हो जाएगा L1 और L2 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस थ्री, और दिस इज माइनस ट्वेल्व, सो दिस विल बिकम थर्टी सिक्स बाई एस स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ दिस नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स आर 36 बाई एस स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग इज हेयर, ठीक है। चलिए नाउ डेल वन की वैल्यू निकालते हैं। चलिए डेल वन, डेल वन कितना हो सकता है, डेल वन पाथ देखिए, सिर्फ एक पाथ आपने आइडेंटिफाई किया था, अब इस पाथ से ऐसा कोई लूप है जो कनेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं सर ऐसा कोई सा भी लूप नहीं है, सो ये इंटायर थिंग इज जीरो, सो डेल वन इज वन, एवरीथिंग इज दैट। नाउ डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू इसी फंक्शन में ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। पी वन की वैल्यू बोलिए, पी वन का गेन जो आपने देखा था 2 बाई एस स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट 2 बाई एस स्क्वायर इंटू डेल वन की वैल्यू है 1। अब आपको लिखना है डेल की वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेंस, ये लूप गेंस से सारे हैं, सो 18, 12, 30, 33, सो दिस इज नथिंग बट इन दोनों का समीशन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 बाई एस, और ये हो जाएगा माइनस 18 बाई एस स्क्वायर, माइनस 18 बाई एस स्क्वायर, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल लूप गेंस वाली कहानी हो गई ओवर। प्लस नॉन टचिंग लूप गेंस, यस है आपके पास 36 बाई एस स्क्वायर, सो दिस इज द इंटायर थिंग यू हैव इन योर हैंड, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं क्रैक, लिखने की कोशिश करते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन विल बी, ट्रांसफर फंक्शन विल बी 2 बाई एस स्क्वायर डिवाइड बाई, चलिए यहाँ से इसको थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं, 15 बाई एस प्लस 18 बाई एस स्क्वायर प्लस 36 बाई एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, सो आपके पास बचने वाला है 2 बाई एस स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर हो जाएगा 15s हो जाएगा 15s प्लस 18 और 36, सो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54, ये गॉट कैंसल, आपके पास जो हाथ में है वो है 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 15s प्लस 54, दिस इज योर आंसर। डिड यू गेट माय पॉइंट, गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।